दर्शकों सलाम आदाब नमस्ते, मैं हूं कैसर रजा हुसैनी और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज नेटवर्क। आइए आपको ले चलते हैं एक अहम खबर की तरफ। दर्शकों शहर के कई जाने माने बिल्डरों की अब खैर नहीं है, जिन्होंने टीएमसी के नाम पर इमारतें बनाई हैं कि ये टीएमसी का काम है, लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर इलीगल काम किया गया है। कोई पार्किंग खा गया है तो कोई पार्किंग को दुकान किसी ने बना दिया है और किसी ने ऊपर अतिरिक्त काम किया है, जिसकी वजह से अब जो ऐसे बिल्डर हैं उनकी खैर नहीं है, उन पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। और बहुत से बिल्डरों ने रिजर्वेशन की जगह पे, आदिवासी की जगह पे, गौचरण पे इमारतें बनाई हैं, वो खासकर टीएमसी के अधिकारियों से साठ गांठ करके उनकी भी खैर नहीं है। शहर के एक वरिष्ठ आरटीआई एक्टिविस्ट और समाज सेवक ने गुप्त जानकारी और उनके द्वारा मुंबई मंत्रालय से लेकर के दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार तक, दिल्ली केंद्रीय सरकार तक शिकायती पत्र दिया गया है और तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। यहां तक कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया है कि जल्द हम इसकी पूरी इंक्वायरी कराएंगे और खासकर इसमें अगर दोषी पाए जाएंगे अधिकारी जो थाने महानगर पालिका के हैं तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा, और बिल्डरों की तो खैर नहीं है, उन पर तुरंत जो है कार्रवाई की जाएगी। हम नाम नहीं लेंगे इसमें कौन से बिल्डर है, अगर नाम लेंगे तो वो डांस करना चालू कर देंगे पत्रकारों के नाम पर, समाज सेवकों के नाम पर और आरटीआई एक्टिविस्ट के नाम पर, उनको धमकी आने लगेगी। जब कार्रवाई होगी तो खुद पता चल जाएगा शहर में कि कौन सा बिल्डर है, और जाने माने कई बिल्डर हैं अपने को बता रहे हैं कि हम बहुत बड़े बिल्डर हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है और इनकी कार्रवाई, इन पर कार्रवाई होना चाहिए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क, बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबर के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं, आपका दोस्त भी है। इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।